नरेंद्र मोदी हिमाचल के कांगड़ा में थे। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए मोदी की कांग्रेस और राहुल पर कही बातें। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के नेता पहले क्या कहते थे, उनके परिवार के मुखिया पहले क्या कहते थे, अब वो भूल रहे हैं। और आजकल दुनिया भर को नए नए उपदेश सिखाने में लगे हैं। हम जब कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनको चुभता है। कांग्रेस ये संस्था नहीं रही, कांग्रेस महात्मा गांधी वाली नहीं रही, कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली नहीं रही। ये भ्रष्टाचार में लिप्त, परिवारवाद में डूबी हुई, जातिवाद का जहर फैलाने वाली, सांप्रदायिक रंग से रंगी हुई ये कांग्रेस पार्टी, ये संस्था नहीं, विचार नहीं, व्यवस्था नहीं, कांग्रेस पार्टी ये सड़ी हुई सोच का नमूना है। और इसलिए हम जब कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, हिंदुस्तान में इस सड़ी हुई सोच को भारत से मुक्ति दिलाने का हम अभियान चला रहे हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उस समय उन्हीं की बोलबाला चलती थी, विरोधी दल का तो नामो निशान नहीं था, मीडिया भी उनके साथ, सब कुछ उन्हीं के पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ वही लोग थे। उस समय जनसंघ का जन्म हुआ, जो बाद में हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरे। हमारा पूर्वाश्रम जनसंघ है, शांता कुमार जी जैसे अनेक लोगों ने ये जनसंघ के बीज बोए थे। पंडित नेहरू उस जमाने में कहा करते थे, और जो हमारी आलोचना करते हैं जरा सुन ले, ये पंडित नेहरू ने कही हुई बात मैं दोहरा रहा हूं। पंडित नेहरू कहा करते थे, हम जनसंघ को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देंगे, धरती में उसकी जड़ों तक को उखाड़ करके फेंक देंगे। जब हमें, हम तो अभी पालने में थे, बच्चे भी नहीं बने थे पूरे, उस समय जनसंघ को खत्म करने का बीड़ा पंडित नेहरू ने उठाया। इतिहास गवाह है, दिए की रोशनी में चल दिए थे और कीचड़ में जाकर के भी कमल खिला करके लौटे हैं। हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, हम उस सड़ी हुई सोच से देश को मुक्त कराने के लिए देश का जनजागरण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसी कोई पार्टी हो सकती है जिसको हिंदुस्तान की जनता का विश्वास चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चलाने का इरादा चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान पे भरोसा ही नहीं? क्या ऐसे लोग देश के लिए योग्य है क्या? चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई, पराक्रम पुरुषार्थ अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक
जहां रात को माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे, सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे मोदी जी ये 1962 भूलना मत, हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे, तब इस देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और यह देश ऐसे पाप करने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। भारत की संसद में 12-15 साल से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जिसके परिवार के लोग पिता प्रधानमंत्री रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, नाना प्रधानमंत्री रहे हो, जन्म से जिनको राज परिवार में पलने बढ़ने का अवसर मिला हो, वो देश पे भरोसा न करे, सरकार पे भरोसा न करे, सेना पे भरोसा न करे, और चीन के राजदूत से मिलकर के पूछे कि ढोकलाम में क्या चल रहा है। ये देश का अपमान है कि नहीं है? जरा आप मुझे बताइए, देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? भारत की चुनी हुई 125 करोड़ देशवासियों के चुनी हुई उन 125 करोड़ देशवासियों का अपमान है कि नहीं है? देशवासियों के प्रति अविश्वास है कि नहीं है? वीर जवानों के प्रति अविश्वास है कि नहीं है? जिसको हिंदुस्तान के राजदूत को पूछने के बजाय, भारत के विदेश मंत्रालय को पूछने के बजाय, चीन के राजदूत को जाकर के पूछ रहे हो डोकलाम में क्या है? क्या चीन वाला क्या बताएगा भाई? कोई मुझे बताए चीन वाला क्या बताएगा? क्या ये आपकी समझदारी नहीं है कि आपके इरादे में गड़बड़ है? आप मुझे बताइए, जिनको ये प्राइमरी नॉलेज नहीं है, प्राइमरी माफ करना मुझे, ऐसे व्यक्तियों को उनकी बातों पर क्या देश भरोसा कर सकता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है आप हिमाचल की सरकार बनाने वाले हैं, भाजपा को 18 दिसंबर को धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हो, वो मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं आपके रगों से, आपके मन मंदिर से बिल्कुल जुड़ा हुआ इंसान, मुझे पता चलता है। लेकिन सिर्फ सरकार बनाना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ कुर्सी कब्जा करना हमारा मकसद नहीं है, हमें हिमाचल के हर नागरिक को साथ लेकर के भव्य दिव्य हिमाचल बनाना है, आपके सपनों का हिमाचल बनाना है, आपकी आशा आकांक्षाओं का हिमाचल बनाना है, विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने वाला हिमाचल बनाना है, हिंदुस्तान में टूरिज्म के लिए आन बान शान के साथ देश के वासियों को आने का मन कर जाए ऐसा हिमाचल बनाना है, हिमाचल के नौजवान को यहां रोजगार के अवसर मिले ऐसा हिमाचल बनाना है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।